हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें 7वां पाठ है सोच अपनी अपनी। आप लोगों ने स्कूल में वाद विवाद की प्रतियोगिता तो देखी ही होगी कि कुछ विद्यार्थी है वह एक विषय में एक पक्ष में बोलते हैं और कुछ विद्यार्थी विपक्ष में बोलते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने कक्षा में देखा होगा। तो इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं और विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। किसी विषय में पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। यानी एक विषय दिए दिया जाता है और उसमें एक पक्ष है, दो टीम बनाई दी जाती है और एक टीम के लोग है उसका समर्थन करते हैं और दूसरे टीम के लोग है उसका विवाद करते हैं। तो वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का एक अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, यानी एक विषय दे दिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस विषय में पक्ष में, यानी कुछ विद्यार्थी है उस विषय में पक्ष में बोलेंगे और कुछ है उसके विपक्ष में बोलेंगे। अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता यानी बोलने वाला पक्ष में अपने विचार रखता है और दूसरा वक्ता है वह विपक्ष में अपने विचार रखता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो इस पाठ के अंदर आपको इसी तरह सोच अपनी अपनी, यानी आपको अपनी सोच के अनुसार यह निर्धारित करना है कि यह कौन सी अच्छी चीज है और कौन सी खराब चीज है, इसके बारे में आपको तर्क और वितर्क करना है। इसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। यानी आपको यहाँ पर एक गांव का चित्र दे दिया गया है और यहाँ पर एक शहर का चित्र दे दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है कि गांव में क्या क्या वातावरण होता है, गांव के लोग क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और शहर में कैसा वातावरण होता है। गांव में शांत वातावरण होता है तो शहर में भगदड़ होती है, लोगों की गाड़ियों की आवाज होती है। तो इस तरह से आपको इस पाठ के अंदर तर्क और वितर्क देने हैं। इसके नीचे आपको 2-3 प्रश्न दिए गए हैं। दोनों चित्रों में क्या अंतर है, दूसरा गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों। यानी गांव है उसमें आपको कौन सा रुचिकर लगता है, आपको गांव अच्छा लगता है कि शहर अच्छा लगता है। और तीसरा है क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तो ऐसे आपको 3 प्रश्न बताए गए हैं जिनका आपको उत्तर मौखिक रूप से आप दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह सब प्रश्न है वह स्वाध्याय पोथी के अंदर भी दिए गए हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर है आपको स्वाध्याय पोथी के अंदर समझाऊंगी। खाली ऊपर तौर से हम देख लेते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न है स्वाध्याय पोथी में एक बार आ जाएंगे, तो खाली आपको ऊपर से समझा दे रही हूँ। इसके बाद है नीचे दिए गए हुए मुद्दे के आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। यानी आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक के आधार पर आपको वाक्य बनाकर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यानी विज्ञान हमारे लिए विज्ञान वरदान के रूप में है या अभिशाप के रूप में है या हानिकारक है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यह प्रश्न भी स्वाध्याय पोथी के अंदर है। इसके बाद है कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार कारण सहित बताइए। तो इसमें कलम और तलवार, इसके बारे में आपको विचार प्रस्तुत करना है कि जो काम एक तलवार कर सकती है वह कलम भी कर सकती है, यानी पेन। कलम की ताकत तलवार के समान बताई गई है, तो यह प्रश्न भी स्वाध्याय पोथी के अंदर है। इसके बाद है दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत कुछ वैज्ञानिक के सब बताई गई हैं जो आपको पढ़ना है और उसके आधार पर आपको ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर आपको इसमें उत्तर लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आपको बहुत से 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है
और तीसरा है रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो ये सभी प्रश्न है मैं आपको स्वाध्याय पोथी के अंदर समझाऊंगी, क्योंकि दो बार रिपीट होगा और मुझे दो दो वीडियो भी बनाने पड़ेंगे, इसीलिए मैं इन सभी प्रश्नों को आपको स्वाध्याय पोथी के अंदर समझाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अब स्वाध्याय पोथी में हम इस प्रश्न के उत्तरों को समझेंगे। तो मैंने स्वाध्याय पोथी खोली है जिसमें पाठ सातवा है, सोच अपनी अपनी, वाद और विवाद। तो जिसमें प्रश्न नंबर एक है कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पाठ्यपुस्तक में आपका जो प्रश्न था वही प्रश्न का उत्तर है, वह आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगी। तो पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न है। तो हम इस प्रश्न को स्वाध्याय पोथी में देंगे, तो स्वाध्याय पोथी में भी यही प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो यह प्रश्न पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है। तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। तो हमें नगर के बारे में भी लिखना है कि नगर के चित्र में दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है और लोग हैं वह आधुनिक वेशभूषा में है, यानी आधुनिक कपड़े पहने हुए हैं। तो हमें ये दो चित्र बताए गए हैं जो आपको मैं बता, देखिए ये दो चित्र हैं, ये गांव का चित्र है और ये शहर का चित्र है। तो हमें दोनों चित्रों में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो दोनों चित्रों में एक चित्र गांव का है तो एक चित्र शहर का यानी नगर का है। गांव के चित्र में नदी है तो आप यहाँ नदी देख सकते हैं, उसके घाटों पर नहाते लोग हैं तो ये सभी लोग नहा रहे हैं, पानी भरते और काम करते लोग हैं, यानी लोग काम कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, ये काम कर रहा है, नहा रहे हैं और पानी भर रही हैं स्त्रियां। गांव में कच्चे घर है तो ये सभी मकान कच्चे घर हैं। लोग मामूली कपड़े पहने हैं, जो गांव के लोग हैं वह मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति है क्योंकि गांव में कहीं गाड़ियों की आवाज और मिल ये सब कारखानों की आवाज से गांव दूर रहता है, तो यहाँ पे गांव में शांति है। अब नगर के बारे में लिखते हैं कि नगर के चित्र में दो तरफा सड़क है, तो यहाँ पर दो तरफा सड़क है, पक्के मकान है, आप देख सकते हैं कि शहर के चित्र में पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है और लोग हैं वह आधुनिक कपड़े पहने हुए हैं। गांव के जो लोग कपड़े पहनते हैं उससे शहर के लोग जो आधुनिक कपड़े पहने हैं, जो आप देख सकते हैं जो चित्रों में। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको यही लिखना है। दूसरा प्रश्न है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर यानी तुम्हें कौन सा पसंद लगता है और क्यों। तो यह प्रश्न आपकी स्वाध्याय पोथी में है, प्रश्न नंबर दो के रूप में। तो हम स्वाध्याय पोथी में समझते हैं। प्रश्न नंबर दो, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों। गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में लगाया या उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं। अब नगर के बारे में कि नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, यानी शहर के जो जीवन है उसमें अनेक दोष हैं, फिर भी नगर का जीवन है मुझे रुचिकर लगता है। हम लिख सकते हैं कि इतने दोष होने के बावजूद भी मुझे शहर वह अच्छा लगता है, यानी गांव के जीवन में सादगी सरलता है, यानी गांव के लोग है वह सादे स्वभाव के होते हैं, उनके कपड़े भी सादे होते हैं, वहाँ पे कोई तड़क भड़क नहीं होती है, लोग शांति से अपना काम करते हैं, उन्हें कहीं पहुँचने की देर नहीं होती। तो कुछ लोग खेती करते हैं तो कुछ कुंभार है वह घर पर अपने मन मुताबिक काम करते हैं, नदी कुएं का जो है वह पानी पीते हैं
और वे अपने खेतों में जो उगाते हैं वही सब्जियां खाते हैं और कच्चे घरों में रहते हैं। तो उसके विपरीत विपक्ष में देखें तो नगर के जो जीवन है उसमें तड़क भड़क होती है। लोग है वो फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और पक्के मकानों में रहते हैं, नल का पानी पीते हैं और बाजार में लेकर अनाज फल सब्जियां खरीद कर खाते हैं। और नगर के जीवन में तो बहुत दोष है, फिर भी मुझे प्रश्न पूछा गया है कि आपको कौन सा जीवन पसंद है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे इतने दोष हो जाने के बावजूद भी होने के बावजूद भी मुझे नगर का जीवन है वह पसंद है। अब है प्रश्न नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य होता है? यदि हाँ यदि नहीं तो क्यों? तो यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, तो मैं यहाँ पर यह प्रश्न समझा दे रही हूँ। क्या तालाब का जल पीने के योग्य होता है? यदि नहीं तो क्यों? हमें इसके बारे में लिखना है कि तालाब का जल पीने के लिए योग्य यानी ठीक नहीं होता, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित यानी खराब करती है। यह खराब यानी दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है, इसीलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता है। यानी तालाब का पानी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि तालाब है वह चारों ओर से बंद होता है और चारों ओर से बंद होने से वहां पे धूल मिट्टी गिरती रहती है और जो पत्ते हैं पेड़ पौधे तालाब के बाजू में आजू बाजू होते हैं उसके पत्ते गिरते हैं और वह पत्ते पानी में तालाब में गिर कर सड़ जाते हैं और वही दूषित पानी हम पिए तो हमें अनेक तरह के रोग होते हैं। साथ ही लोग हैं उसमें तालाब के पानी से कपड़े धोते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, तो वो पानी दूषित गंदा हो जाता है और ऐसे गंदे पानी को पीने से हमें बीमारियां हो सकती है, इसीलिए हमें तालाब का पानी पीना नहीं चाहिए और वह पीने योग्य नहीं होता है। अब है प्रश्न नंबर 4, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखिए। जो यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक में भी था तो मैं आपको यहीं समझा दे रही हूँ कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी कूलर, फ्रिज, गीजर, गिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। टेलीफोन, मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्म और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है, लेकिन विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि ये विज्ञान के अभिशाप है। हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। यानी इसमें यह कहा गया है कि विज्ञान ने बिजली की खोज की है तो यह हमारे पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि हम घर पर जाते ही सीधा सबसे पहले पंखा और लाइट यह चालू करते हैं, यानी पंखे और लाइट है वो विज्ञान की ही देन है। गीजर, लिफ्ट और कूलर ये सभी भी विज्ञान की ही देन है। टेलीफोन, मोबाइल ये भी हमें विज्ञान से मिले हैं। साथ ही आज हम घर बैठे फिल्म और दूरदर्शन देख रहे हैं तो हमें देश दुनिया की खबर उसे मिल जाती है घर बैठे ही, तो यह भी एक विज्ञान की उपहार है। साथ ही कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज हमें बहुत ही दुनिया ही बदल डाली है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से हम देश दुनिया की खबर हम कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ही समय में हम कंप्यूटर के द्वारा जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान के कारण है आज हम देख सकते हैं कि जल, थल और वायु प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया है। इसमें संदेह नहीं है कि यह विज्ञान के अभिशाप है, क्योंकि विज्ञान है वह हानिकारक भी है पर उसकी देन भी हमारे लिए आभारी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है, अपने विचार कारण सहित बताइए। ये प्रश्न भी आपको पाठ्य पुस्तक में था इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है, यानी कलम और तलवार दोनों की तुलना की गई है। कलम का अर्थ होता है बॉल पेन और तलवार यानी दोनों में कौन शक्तिशाली है, जो काम एक कलम कर सकती है वह तलवार भी कर सकती है। कलम सीखने का काम करती है, कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है।
तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, लोगों के दिल जिताती है व बुरों को अच्छा बनाती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है, इसीलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। यानी कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? यानी कलम यानी जो लिखने वाली है, कोई भी हम पढ़ ले, कविता हो, उपन्यास हो, या जीवन चरित्र है या कहानी है, तो वो शक्तिशाली है या तलवार? तो कलम है वह लिखने का काम करती है और तलवार है वह युद्ध कराती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, यानी कलम से हम जो भी बुक में या तो कहानी लिखते हैं तो उस कहानी को पढ़कर किसी के जीवन में परिवर्तन भी होता है, तो उससे दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है। तलवार के साथ है, तलवार चलानी हो तो हमें शारीरिक बल चाहिए। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तो तलवार काम करती है लोगों का गला काटना या तो किसी का खून बहाना। कलम है वह हमें आनंद देती है, यानी कलम से हम कुछ भी लिखे, कविता लिखे, जोक्स लिखे, तो हमें वह आनंद देती है, तो उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, लोगों के दिल जिताती है, वह बुरों को अच्छा भी बनाती है। यानी कुछ पुस्तकें पढ़कर लोगों के जीवन में लोग अच्छे से बुरे व्यवहार करते हैं तो वह अच्छे बन जाते हैं। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है, इसीलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम है वही शक्तिशाली है।